Alright, तो आगे हम अपने पहले डब्बे की तरफ। आपको जैसा थंबनेल देख के पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम चार बहुत बेहतरीन जूते देखने वाले हैं और पांचवा डब्बा बहुत ज्यादा खास है जो कि आपको मिस नहीं करना है। हम आ जाते हैं अपने पहले बॉक्स की तरफ। आप देख सकते हो एडिडास की कंपनी है। इसकी प्राइसिंग की बात करें यहाँ पर लिखा गया 4599 जो कि आपको डेफिनेटली पे नहीं करना है। एडिडास के यहाँ पर कार्डबोर्ड का बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, फटाफट निकाल लेते हैं जूते को। सबसे अच्छी खास बात क्या है ना, इसके लिए ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती थी। ये जूता इतना सस्ता मिल रहा है इस वक्त अमेजोन पे, 1500 रुपए में मैंने खरीदा है। और इस वक्त ये जूता एक स्टील डील हो सकती है आपके लिए, अगर आपको एक बेहतरीन ब्रांडेड जूता चाहिए तो। अगर इसके कलर की बात करें ना, तो बेसिकली इसमें तीन कलर आपको मेजर देखने को मिलेंगे, जो कि है व्हाइट, जो कि सिर्फ आपको इसके सोल में देखने को मिलेगा। बाकी पूरी बॉडी ब्लैक कलर की है और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ग्रे यूज किया गया है। इसके एक दो और कलर्स भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड और अच्छा लग रहा था। अगर पूरी बात करें ना, तो पूरी इसके अपर बॉडी ना कैनवस मटेरियल की बनी हुई है, जो कि पूरा कुशन्ड है। ऐसा मैंने आपको एशियन जूते में बताया था ना, वही वाली कुशनिंग मिल जाती है। चारों तरफ पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है, ऐसे ये फ्रंट पार्ट और ये वाला पार्ट, लेकिन अंदर में ना पूरी मेशिंग की गई है, अच्छे से कुशन पैडिंग वैडिंग की गई है, तो कंफर्ट्स में नो टेंशन लेने वाली बात। अगर इसके इनर कुशनिंग की बात करें, पूरा अंदर ब्लैक मिल जाता है, अंदर में एडिडास की ब्रांडिंग मिल जाती है, छूने से अच्छा फील हो रहा है। अगर इसके आउटर सोल को देख लेना, तो यहाँ पर नीचे एक तो आपको एडिडास की ब्रांडिंग मिल जाएगी, थोड़े मोटे ग्रूव्स मिल जाएंगे जिससे आपको ट्रैकिंग में हेल्प होती है। बहुत ही सॉफ्ट फोम यूज किया गया है, आराम से आप अपनी उंगलियों से प्रेस कर सकते हो। लेकिन आप इस जूते से ना अल्ट्रा बूस्ट वाली और जो एडिडास की जो महंगे वाले जूतों की जो कुशनिंग होती है ना, उस कुशनिंग को आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डिजाइनिंग की बात कर ले, तो यहाँ पर आपको तीन स्ट्रैप्स मिल जाएंगे जिसे एडिडास का लोगो डिफाइन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे ग्रे कलर का पूरा लेदर पैच अटैच किया गया, बहुत स्मूथ लेदर है और देखने से ना प्रीमियम लग रहा है, चीप फील नहीं हो रहा है। स्टिचिंग सारी क्लियर है, विजिबल है। यहाँ पर एक रबर पैच अटैच किया गया है जिसपे आपका लास्ट वाला होल जाता है, और इसके जो तीन स्ट्रैप्स है उसपे तीन तीन रबर स्ट्रैप्स डाले गए हैं। लेस देख ले तो पूरा कॉटन का लेस है, तो इसको ना बांधने में बहुत अच्छा होता है, जल्दी ये खुलता नहीं है। एंकल सपोर्ट देखोगे और आगे का टंग सपोर्ट देखोगे ना, तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। पीछे एक पुल टैप मिल जाता है, फ्रंट में भी एक पुल टैप है। और एक अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर लिखा गया मेड इन इंडिया। फ्रंट लुक भी देखोगे ना, तो पूरा प्लेन, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ऐसा प्लेन दिया हुआ है। फ्रंट में भी आपको लाइन 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 ऐसे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। और आप इतना तो जानते हो कि एडिडास के जितने भी जूते होते हैं ना, वो इस तरह के ना दिखने में बहुत ज्यादा तड़कते भड़कते टोनी कक्कड़ वाले नहीं होते, बहुत सिंपल सुपर होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप इस वक्त एक बहुत बेहतरीन जूता रनिंग के लिए, जिम के लिए, वॉकिंग के लिए या एक स्पोर्ट जूता खोज रहे हो, ब्रांडेड जूता खोज रहे हो ना, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, वो सेलर ऊपर नीचे करते हैं, तो मुझे माफ करना कमेंट में। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग जूते की तरफ। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट जूते का बॉक्स आ गया हमारे पास में। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे देख लो, कोई भी ब्रांडिंग नहीं की गई है, कोई भी प्रिंट्स नहीं है। इसे समझ लो कि ब्रांड क्रॉस कटिंग करी है, जिसे ये समझ में आता है कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली जूता है। इसकी प्राइस है 500 रुपए महज, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, इस जूते की भाई रेटिंग ना अमेज़न पे बहुत जबरदस्त थी, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग गम की स्मेल आ रही है इस वक्त, देख लो अंदर न्यूज़पेपर भरा गया है। इसके ओवरऑल लुक की बात करें, तो यहाँ पर आपको आइकॉनिक डिजाइन मिल जाती है नाइकी की एयर फोर्स की। यहाँ पर पीछे एयर लिखा गया है, वो बहुत सारी कंपनियां ना उस डिजाइन को कॉपी करती है, जो नाइकी के बास्केटबॉल वाले जूतों में होता है ना, वही सेम डिजाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर राइडर लिखा गया है। अगर इसके अपर मटेरियल की बात करें ना, एक तो कलर देख लो कि बहुत मस्त कलर है, ऊपर आपको पूरा डार्क ग्रे मिल जाता है और नीचे व्हाइट मिल जाता है, बहुत अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये जो व्हाइट देख रहे हो ना, ये व्हाइट पेंटेड है। अपर मटेरियल की फील की बात करें ना, बहुत सॉफ्ट फील है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी अपर मटेरियल को देख के इसमें कुछ भी ऐसा चीप यूज किया गया है। फ्रंट में शू होल्स पे ना व्हाइट कलर किया गया है, जो कि बहुत अच्छा इनहांस लुक लेकर आ रहा है। ग्रे कलर में आपको इसके लेस मिल जाएगा। अगर इसकी इनर कुशनिंग की बात करें, डिसेंट इनर कुशनिंग है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंफर्ट वाली नहीं है। टंग इसका बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसमें भी आपको कोई पैच और कुछ ब्रांडिंग नहीं मिलती है। ऐसे देखो, इसके एमआरपी तो है 999 और इसके ब्रांड का नाम है टी रॉक। आपको मैंने बता दिया 500 में मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन चीज बनाई है। फ्रंट में बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे, आपको पता है वेंटिलेशन में हेल्प होता है। आउटर सोल की अगर कुशनिंग की बात करें ना, बहुत इजिली प्रेस हो रहा है, अच्छा कुशन है। 500 रुपए में देखो, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, आपको कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की यहाँ पर रिव्यू चाहिए रहती है ना, तो बस आप यहाँ पर मेरे को कमेंट मत करो कि मेरे को इस चीज के बारे में बताओ, इस चीज के बारे में बताओ। आप सीधा उस कंपनी के ब्रांड के कोई भी पोस्ट पे ना जाकर स्पैम कर दो। प्लीज वन चांस के साथ रिव्यू करिए, कोलैब करिए, कोलैब करिए। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग जूते की तरफ। ऑलराइट,
ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन, बहुत यूनिक, लाइक अभी आपने ऐसा जूता नहीं देखा होगा, वैसा जूता इसके अंदर है, जिसकी अनबॉक्सिंग इस वक्त हम नहीं करेंगे, वो आ रही है कुछ दिनों बाद। ऑलराइट, हमारा मस्त चमचमाता वन मस्त बॉक्स आ गया, बहुत खूबसूरत, वेल पैक्ड है, और ऐसा बॉक्स ना बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है अमेज़न की तरफ से, बहुत अच्छे से आया है। इसके ब्रांडिंग की बात करें, इसके ब्रांड का नाम है क्लिप, और इसके प्राइसिंग यहाँ पे लिखी गई 1699, यानी 1699 रुपए का ये जूता है, लेकिन आपको उतना पे नहीं करना है, ये जूता आपको महज 500 के अंदर में मिल जाएगा। अब मैं टारगेटली क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि हर साइज के ऊपर ना 50-20 रुपए का ना ऊपर नीचे है, पर इसका पूरा मटेरियल ना सॉक्स मटेरियल है, यानी पूरा कैनवास का बना हुआ है, जैसे मोजा होता है ना उस टाइप की इसकी डिजाइनिंग की गई है, रफ टाइप की डिजाइनिंग है, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं, और मेनली आपको ना तीन कलर देखने को मिलेंगे, एक तो ब्लैक है, एक तो व्हाइट है, थोड़ा सा ना येलो दिया गया है बस। लेसिंग के लिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे कैनवास के हुक्स मिल जाएंगे, जिसको पैच के थ्रू यहाँ पर सिला गया है। अगर इसके आउटर सोल की बात करिए ना, बहुत अच्छा आउटर सोल है, लिटरली मैं आपको बता दूं कि वो एडिडास वाले से ना ज्यादा अच्छा इसका आउटर सोल है। अगर इसके बॉटम पार्ट की बात करें ना, हार्ड रबर इसमें भी यूज किया गया है, रबर भी बहुत अच्छा, देखो प्रॉपर साइन कर रहा है, अंदर में आपको थोड़ा थोड़ा येलो पार्ट मिल जाता है, थोड़ा सा ना शार्क फिन टाइप की यहाँ पे डिजाइनिंग की गई है, मतलब थोड़ा सा ना इधर नैरो टाइप का निकला हुआ है, बहुत एग्रेसिव, बहुत खूबसूरत लगता है। इसका इनर सोल हम निकाल सकते हैं, जिसके अंदर भी देखोगे ना बहुत सारे होल्स बनाए गए हैं, यहाँ ऊपर पूरा प्रॉपर कवर किया गया, अंदर में क्लिप की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये सारे होल से भी क्या होता है ना, बहुत एयर पास होता है, और आपके पैरों में ये गर्मी पसीना ये सारी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, कूल कूल रहेगा आपका जूता। पीछे में आपको एक पुल टैब मिल जाता है, और अगर सीधे मायने में सच कहूं ना, तो इस बजट में ना इतना खूबसूरत मास्टरपीस देना, एक पैर के लिए इतना वेल बिल्ड जूता देना इज लाइक ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क। इस जूते का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट एशियन के जूते की तरफ। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट जूता आ गया। मैंने आपको बता दिया एशियन का जूता होने वाला है, लेकिन इसके डब्बे की एक बहुत बड़ी खासियत है, आप इसे इधर से भी खोल सकते हो और आप इसे इधर से भी खोल सकते हो, मतलब होली में ना इसके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए। हम एशियन के ना बहुत सारे अच्छे अच्छे जूतों की बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन इसमें जो एशियन ने पब्लिक के साथ मजाक किया ना, मेरे साथ मजाक जो किया ना, वो लाइक ऑलराइट। तो देखने में ये एशियन का जूता ऐसा दिखता है, इसमें आपको दो तीन कलर्स वापस से देखने को मिल जाएंगे। इसकी पूरी अपर बॉडी लाइट ग्रे कलर की है, नीचे इसका सोल पूरा व्हाइट कलर का है, और यहाँ पर साइड में ना बस ऑरेंज कलर का थोड़ा सा टेक्सचर दिया हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। बीच में यहाँ पर नीचे आपको विल्टो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि एशियन का ही एक ब्रांड है, अंदर मिल जाएगी आपको एशियन कैजुअल फिट की ब्रांडिंग। अगर इसके इनर सोल की बात करें, बहुत अच्छा इनर सोल है, अपर मटेरियल भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्टिफ टाइप का इसका कैनवास फील हो रहा है, लेकिन फिर भी डिसेंट क्वालिटी का है। ये जूता आपको 500 रुपए में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी डील है, डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। पीछे आपको एक पुल टैब मिल जाएगा, वेंटिलेशन के लिए होल मिल जाएंगे, बहुत सारी टेक्सचर्स डिजाइनिंग मिल जाएगी आपको। आप इसे अगर अमेज़न में देखोगे ना, तो यहाँ पर साइड में देख रहे हो ये चीज, आपको वहां पर अमेज़न में देख के लगेगा ना कि वाओ, इसमें एयर कुशन है, पूरा बबल दिख रहा है, कलरफुल, कितना जबरदस्त जूता है। हमने भी ना अमेज़न पे देखकर इसी चीज को मंगाया था, जूते का ऑर्डर किया था, जो धोखा मिला है ना, मतलब फेसबुक वाला हाल हो गया कि एंजल प्रिया लिख के मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और निकल गया लड़का। यहाँ पर आपको ये जो आप एयर बबल देख रहे हो ना, ये ऊपर ना आपको गम सोल मिल जाता है, जिसपे ऐसे गम सोल की पैचिंग की गई है, और अंदर में ना भाई फोटो चिपका दिया है, बस एक गिमिक क्रिएट करने के लिए। अगर ये नहीं भी होता तो क्या होता, एक फोटोग्राफर को जॉब नहीं मिलता, आपका यहाँ पर ये इसका पैसा बच जाता, फोटो का पैसा बच जाता, ये पूरा व्हाइट कर देते, कितना खूबसूरत जूता हो सकता था। देखो जूता बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट, इसकी पूरी कुशनिंग वुशनिंग सब कुछ अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज ना देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि इस जूते के लिए नहीं जाना, बल्कि अगर आपको इस बजट में लेना हो ना, क्लिप वाला जो जूता था ना, रियली इंप्रेसिव था, इससे लाख गुना अच्छा था। एंड आप मुझे बताइए कि ये जूते के रिव्यू आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंगूस मान में जाऊँ अपने नेक्स्ट बहुत अमेजिंग वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।